जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर बानो नकवी के साथ, जो एक इचरा का इलाका यहाँ पर एक वाकया पेश आया था। एक खातून को इन्होंने बड़ी बहादुरी से जो है जो मुश्तिल हजूम था उससे बचाया है। ये वाकया क्या था? मेरे साथ मौजूद हैं शहर बानो नकवी, इनसे हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये बताइएगा कि क्या वाकया था, खातून को आप बड़ी दिल्ली से जो है इतने मुश्किल गाँव से लेकर गई थी, तो ये इसकी बैकग्राउंड थोड़ी सी बताइए हमारे नाजरीन। खातून ने जिस टाइम हॉस्पिटल कुछ ऐसे कपड़े पहने हैं जिसके ऊपर कुरानिक वर्सेस लिखे हुए, उनके रिलीजियस सेंटीमेंट्स जो उनके जो है वो हर्ट हुए, एंड उसने जो क्यू आगे में जो इश्यू हुआ है उसके बेसिस के ऊपर द मॉब इज गैदर्ड अराउंड है, और उसको शॉप में जो है बिठाया वो ले गए हैं, और फिर वो है और जो मॉब है उसने सराउंड कर लिया अपनी दुकान को। तो ये 15 की कॉल चली थी, जो कॉलर था वो अनोनमस था, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की। और फिर जब हम मौके पे पहुँचे हैं तो जो पाकिस्तानी चौक है उधर ये इंसिडेंट हुआ है। फॉर दोज हु बीन लिविंग इन लाहौर और हैव बीन टू इचरा वुड नो कि बहुत कॉन्वोल्यूटेड सी तंग गलियाँ उधर। पाकिस्तानी चौक जो है मेन रोड से 5 से 6 मिनट के रास्ते पे है, वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, तो वहाँ गाड़ी पहुँचाना थोड़ा सा दिक्कत आमेज़ या मुश्किल होता है। इस सारे सिनेरियो के अंदर वी वर एबल टू गेट द गर्ल आउट, एंड अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, शी एंड हर हस्बैंड वर सेफ एंड आर सेफ एंड दे बीन रीयूनाइटेड विद देयर फैमिली। मैम थोड़ा सा ये बताएंगे कि वो कौन लोग थे, मियां बीवी लाहौर में रहने वाले थे या लाहौर से बाहर आए थे? जी बेसिकली दे वर नॉट, दे डोंट लिव इन लाहौर, दे लिव इन अदर सिटी। रिवील करना कि किस शहर में वो रहते हैं वुड बी इनअप्रोप्रिएट बिकॉज़ ऑफ प्राइवेसी कंसर्न्स। अच्छा मैम ये बताइएगा कि जो लोग थे उनको वहाँ पे कोई मजीद कार्रवाई तो नहीं की गई कानूनी? कानूनी कार्रवाई इस सिलसिले में करना मुझे ड्रैग द इशू फर्दर। दोनों पार्टीज का जो कंसेंट लेने के बाद इट वाज डिसाइडेड बाय देम दैट दे वुड अपोलोजाइज इन रिटन द फॉर हैरेसिंग द वुमन इन फर्स्ट एड फॉर थिंकिंग कि उसके कुरानिक वर्सेस हैं अंदर लिखे हुए जोड़े को पर नाउस पड़ा, और द इशू वाज एमिकेबली रिजॉल्व्ड। आज बिल्कुल एएसपी गुलबर्ग कहती हैं कि